भगवान, सर दुख रहा है बहुत ज्यादा, फटा जा रहा है। कोई एक कप चाय बना के पिला दो। कोई और दिख रहा है तुमको यहाँ पे? हाँ, अकेला मैं खड़ा हूँ। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, क्या यार रोज रोज नाटक। रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ तुम्हारे चक्कर में। क्या मतलब है आपका, मैं नाटक कर रही हूँ? अरे तो डॉक्टर को दिखा लो ना, परेशान कर रखा है। रोज रोज बाहर का खाना खा के ना मेरे पेट और जेब दोनों की बैंड बज गई है। हाँ, तुम्हारी तो बैंड ही बज रही है ना। और मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ? एक चाय का कप मांग लिया तो इतने ताने सुना दिए। अरे खुद तो तुम बाहर जाके खाना खा लेते हो, और मैं तीन तीन दिन तक कुछ खाती तक नहीं हूँ। मेरी नहीं पड़ी तुम्हें। बिना खाए इतनी मोटी हो रही है, अगर खाएगी तो पता नहीं क्या होगा। किसी को मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें भी नहीं आती। लो। थैंक यू। तो चाहिए हो तो बता देना, और अपना ख्याल रखो। अगर भूख लगे तो ऑर्डर कर लेना, जा रहा हूँ मैं। क्या चाय बनाता है? क्या हुआ, आज फिर से लंच नहीं लाया? भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक। अरे उसकी तबीयत ठीक होती कब है यार? तो यार तू किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं करवाता उनका? अरे वो जाना चाहे तब ना, हर वक्त उसके शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ ही रहती है। यार एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? बोल भाई। मुझे लगता है भाभी ना कामचोर है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है भाई, ये बात मुझे पता है। करूं क्या ये बता। ये पता है तुझे? हाँ भाई, भाभी ना एक झटके में सुधर सकती है। कैसे कैसे? मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ। हेलो। हाँ सुधा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ तबीयत खराब है मेरी थोड़ी सी। तुझे किसने बताया? अरे तुम्हारे पतिदेव ने मेरे पतिदेव को बताया, और उन्होंने मुझे। तो मैंने सोचा तुम्हारे हालचाल ले लूं। भाई साहब को अकेले गोवा जाना पड़ रहा है। बड़े उदास थे, उनका बहुत मन था तुम्हें साथ ले जाने का अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होती। गोवा? अरे इस बार फैमिली ट्रिप पर कंपनी गोवा लेके जा रही है। हम सब तो जा रहे हैं। पर कब? अगले हफ्ते ही तो लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मुझे ना शॉपिंग करने के लिए जाना है, बहुत सारी चीजें खरीदनी है, तुम अपना ध्यान रखना। अरे सुन, हेलो बाय। हेलो बताए गोवा जा रहे हैं? घर आने तो बता दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम गोवा जा रहे हो? अरे वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना। अब ना मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक लग रही है। चाय पियोगे? हाँ पी लूंगा चाय। पर फिर भी तुम्हें बताना तो चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? हाँ बताना तो चाहिए था यार, मेरा भी मन नहीं है तुम्हें छोड़ के जाने का, पर क्या करूँ, ऑफिस ट्रिप है, लिंक बनते हैं तो जाना तो पड़ेगा ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन कर दिया है, वो एक हफ्ते तुम्हारे साथ ही रहेगी। एक हफ्ता? तुम एक हफ्ते के लिए जा रहे हो? जाना तो पड़ेगा ना, पर तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ से ना वीडियो कॉल पे तुम्हें पूरा गोवा घुमा दूंगा, प्रॉमिस। पर प्रतीक, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं गोवा ना जा सकूं। प्लीज मुझे भी ले चलो ना। ना, 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 ना। नया शहर, नए लोग, ऐसे कैसे ले चलूं? तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं बिल्कुल भी ऐसे रिस्क नहीं लूंगा। अरे मैं दवाई लेकर चलूंगी ना, कुछ हो गया तो। वैसे तबीयत खराब होगी नहीं। अरे दवाइयों का क्या भरोसा है, वहाँ पे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भला मानूस क्या करूंगा अकेले? नहीं तुम घर पे रहो, बस कह दिया ना, कह दिया। मैं कह रही हूँ कि तबीयत खराब नहीं होगी, अब मैं ठीक हूँ, तो ले चलो ना, पैकिंग कर लो। अरे नहीं यार, क्या गारंटी है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा? आज सुबह देखो ना तुम्हारे सर में कितना दर्द हो रहा था ना बाबू। हाँ तुम पलंग पे पड़ी हुई थी, अगर वो मैं नहीं होता चाय बनाने के लिए तो बताओ कौन पिलाता तुम्हें चाय? प्रतीक बोलो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? क्यों? वो मैं बीमारी का नाटक कर रही थी। नाटक क्यों कर रही थी तुम? वो ताकि काम ना करना पड़े। सॉरी आगे से नहीं होगा, पक्का, प्रॉमिस। मतलब कि तुम घर के सारे काम करोगी? हाँ। मतलब मुझे टाइम पे खाना भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे, तो मैं लंच भी दूंगी रोज रोज। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो ही गया है, एक कप अपने हाथों की चाय पिला दो, बहुत टाइम हो गया चाय पिए। चाय अभी लाती, अदरक वाली लाऊंगी। और सुनो, चीनी जो है वो थोड़ा कम डालना, क्योंकि तुम चीनी ज्यादा डाल देती हो। अगर 6 महीने तुमने ऐसे ही काम किया ना, तो हम पक्का प्रॉमिस गोवा जाएंगे। ठीक है। हैं? क्या है, पति हूं मैं तुम्हारा, तुम नाटक कर सकती हो तो क्या मैं नाटक नहीं कर सकता? कौन सा नाटक? अरे गोवा जाने का नाटक, नौटंकी बाज कहीं की, कहीं नहीं जा रहा कोई गोवा। मतलब हम गोवा नहीं जा रहे? नहीं। तुम इतने टाइम से नाटक कर रहे थे? हाँ। सुधा? नहीं सुधा नहीं। प्रतीक!